हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो अब मैं ये समझता हूँ कि सबने 2 यूनिट पढ़ ली होंगी मैकेनिक्स की। तो अब जो मेरा काम है वो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पेपर जो आया था लास्ट ईयर मिड टर्म का मैकेनिक्स का, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से अपनी आंखें खुले रखना, और प्रिकॉशन सिर्फ यही है कि पहले की 2 यूनिट जो है वो पढ़ के तभी इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पर आना। ठीक है, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो अब उस चीज का बस ध्यान रखना और ध्यान से देखते रहना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहां दिख रहा होगा, तो लास्ट ईयर जो मिड टर्म का एग्जाम आया था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट लामीज थ्योरम। तो चलो, लामीज थ्योरम की बात लेक्चर में शायद नहीं हुई थी, तो अब इसके थ्रू इसकी क्या आती है डेरिवेशन, या फिर वैसा कुछ ऐसा सच है नहीं, सिर्फ इसकी लैंग्वेज आती है जो मैं बताता हूँ वहाँ पर। चलो शुरू करते हैं, स्लाइड्स पर आ जाते हैं सबसे पहले। चलो एक सेकेंड। हाँ, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट लामीज थ्योरम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम की बात कर लेते हैं, लामीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, लामीज थ्योरम क्या होता है, लामीज थ्योरम में जब तीन फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जब तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं, तब वो जो फोर्सेस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं दूसरे सामने वाले के साइन एंगल से। अच्छा, अभी ये बात समझ नहीं आई, तो अभी मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख के रखी हुई है कि आगे काम खराब ना हो। स्टेट्स दैट, लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन थ्री फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, साइन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं, साइन एंगल जो कॉस एक और साइन होता है, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अभी इसका मतलब समझाता हूँ, थोड़ा बहुत तो इस डेफिनेशन से भी समझ आ गया होगा। अभी इसका एक प्रॉपर बढ़िया सा डायग्राम भी बना लेता हूँ ना, मजा आ जाएगा। चलो, कसर नहीं रहेगी भाई, टेंशन मत लो। ये एक फोर्स है ए, लेट सपोज ये एक फोर्स है बी, और ये एक फोर्स है सी। तीन फोर्सेस मैंने बना ली, ए बी और सी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं एंगल अल्फा। ये वाला जो एंगल ले लेता हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड आवर बीटा, और इसको बना लेता हूँ लेट सपोज गामा, लिख लेता हूँ एक थोड़ी देर के लिए। हुआ क्या, तीन फोर्सेज हैं ए बी सी, तीनों कहाँ एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर। अच्छा, अब इस और डेफिनेशन में इसका मतलब क्या था, जैसे देखो अगर मैं ए की बात करूँ, जिसकी ए की, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है, लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे कि अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, तो बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन के, मतलब ए बाय साइन ऑफ दैट एंगल जो कि अदर टू फोर्सेस के बीच में बन रहा होगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर मैं बी की बात करूं तो ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है, बीटा, तो उसका भी क्या साइन, अगर मैं सी की बात करूं तो सी मतलब ए और बी के बीच में बनने वाला कौन सा, गामा, साइन गामा। यही होती है क्या, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम सिर्फ इतना कहती है, अगर किसी भी पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनके दोनों जो अदर फोर्सेज हैं उनसे बनने वाला साइन एंगल प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के। समझ आया, ठीक है। अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना।
परफेक्ट ट्रस्ट की एजम्पशंस। अच्छा, ट्रस्ट से रिलेटेड ना कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स भी हैं, उसके लिए भी मैं एक पीडीएफ आपको उसी पेड बैच के अंदर दे दूंगा। उससे एक बार बस गो थ्रू हो जाना, 2 से 3 पेज ही रखूंगा, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा। उसको बस एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पूछा हुआ है तो वहां भी वो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर एजम्पशंस क्या क्या होती हैं मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर चलो एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नहीं है, दैट इज आवर सेकंड पार्ट, परफेक्ट ट्रस्ट की एजम्पशंस। परफेक्ट ट्रस्ट एजम्पशंस, देखो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ 3 लिख दो, उसके बाद कुछ दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, तो अगर मैं लिखना चाहूँ सिंपल सा, तो ऑल द मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट, आर कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट, पिन जॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा होना चाहिए, लोड्स एक्ट ओनली एट जॉइंट, लोड्स सही बात है, एक्ट ओनली ऑन जॉइंट्स, ओनली ऑन जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज 3 लिख लेते हैं, 2.5 नंबर का है, चलो लिख लेते हैं। सेल्फ वेट जो होता है ना मेंबर का, सेल्फ वेट ऑफ मेंबर ऑफ ट्रस्ट वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल। ठीक है, इतनी बात समझ आती है भैया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, पिछला था लामीज थ्योरम, ये क्या था? परफेक्ट ट्रस्ट की एजम्पशंस क्या क्या है, सारे मेंबर्स जो है वो कनेक्टेड किससे होने चाहिए, पिन जॉइंट से। मतलब अगर ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, तो यहां पर लगने वाला जो जॉइंट होना चाहिए वो पिन जॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पिन जॉइंट। अच्छा, लोड्स का मतलब जैसे 15 किलोन्यूटन नीचे लग गया, 10 10 किलोन्यूटन नीचे लग गया, तो इन सब चीजों को लोड जो होते हैं वो हमेशा कहाँ लगने चाहिए? जॉइंट्स पर, ना कि मेंबर्स के ऊपर। मेंबर्स के ऊपर लगेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो लोड्स हमेशा कहाँ होने चाहिए? जॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, तो जो मेंबर है उसका जो सेल्फ वेट है, मतलब मेंबर का भी तो कुछ सेल्फ वेट होगा, वो ट्रस्ट के अंदर नेग्लिजिबल होता है। 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको याद रख लेना, पेपर में भी काम आ सकते हैं, मतलब मैं तो कहूंगा आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्टेट वेरिंगटन थ्योरम। अच्छा, वेरिंगटन थ्योरम के बारे में हमने बात की है, तो वेरिंगटन थ्योरम एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट उसकी यहीं पे ही। तीसरा है स्टेट वेरिंगटन थ्योरम, तो आई होप इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ तो चलो पहले इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है उसको मैं लिखवा देता हूँ, देन उसके बाद इसकी स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बन के आती है वो भी लिखवा दूंगा। वेरिंगटन थ्योरम स्टेट्स दैट, वेरिंगटन थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस, ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अबाउट सेम पॉइंट। ठीक है, ये तो एक बुकिश डेफिनेशन है, एक थोड़ी सी और डेफिनेशन मेरे नोट्स में है, जो मैं आपको हैंड रिटन वाले हैं ना उनमें एक पेज पे ऊपर की तरफ भी वेरिंगटन थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन कुछ नहीं होती, कि मोमेंट अगर किसी भी पॉइंट का, लेट सपोज ए का निकाल रहा हूँ, तो उसका रिजल्टेंट इंटू पोजिशन। वेरिंगटन थ्योरम यूज किस लिए होती है? पोजिशन निकालने के लिए, याद होगा मैंने करवाया था और बहुत बार बताया भी था वहां पर, तो एक बार उससे गो थ्रू हो जा रहा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सेल्फ लॉकिंग मशीन।
अच्छा सेल्फ लॉकिंग मशीन की भी बात कर लेते हैं। पेपर में आते हैं थोड़े बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस की लगता है ना, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स या कुछ, तो नहीं बेटा थोड़ा बहुत ये सब चीज यही सब चीजें हैं। सेल्फ लॉकिंग मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन। अब देखो सेल्फ लॉकिंग मशीन में हमारे पास, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। दीज मशीन्स कैन ओनली बी सेट इन मोशन बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स एट द इनपुट, एट द इनपुट एंड व्हेन द इनपुट फोर्स इज, इनपुट फोर्स इज रिमूव्ड विल रिमेन मोशनलेस। या फिर लॉक्ड बाय फ्रिक्शन एट वट एवर पोजिशन देवर लेफ्ट, एट वट एवर पोजिशन दे वर लेफ्ट। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो सिर्फ सेट करी जाती है इन मोशन में बाय अ फोर्स एट द इनपुट। मतलब हमने किसी एक मशीन पर कह सकते हैं इनपुट दिया एज अ मोशन, ठीक है, और जब वो इनपुट फोर्स रिमूव कर दी जाए तो वो क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। समझ आया? तो वो मशीन क्या हो जाएगी, मोशनलेस, या फिर कह सकते हैं लॉक्ड बाय फ्रिक्शन एट वट एवर पोजिशन देवर लेफ्ट। मतलब क्या होगा, जैसे सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या थी, ये मैंने, ये एक मशीन है, मैंने इसको यहाँ से फोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तो ये मूव हो रही थी, बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर इनपुट फोर्स हटा दिया वो वहीं पर लॉक हो गई, है ना। जैसे समझ लो एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, मान लो ये कोई पेंडुलम था, है ना, पेंडुलम को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया। पेंडुलम वाला केस एकदम एग्जैक्ट वही मत लेना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो ये पेंडुलम यहाँ गया, मैंने ये इनपुट फोर्स दिया जो यहाँ गया इसके ऊपर, ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये पेंडुलम यहाँ से वापस नहीं आया, तो जैसे ही इसके ऊपर से इनपुट फोर्स हसी हटी तो ये हुआ क्या, ये मोशनलेस हो गया। पहले तो ये मोशन करता ना, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता रहता ये मोशन करता, बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर से फोर्स हटा लिया इनपुट फोर्स, तो वो क्या हो गया, लॉक्ड हो गया बाय फ्रिक्शन, जिस पोजीशन पर छोड़ा था वहीं पर क्या हो गया, लॉक हो गया। दैट्स व्हाट इज सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो याद रखना सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, पेंडुलम ऐसे करता नहीं है, पेंडुलम तो एक बार फोर्स दे दो घूमता रहता है ना टू एंड फ्रो मोशन में, बट अभी मैं एग्जाम्पल ये कुछ समझ नहीं आ रहा इसने बताया ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सारा। अच्छा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ टेंशन फॉर अ फ्लैट बेल्ट पासिंग ओवर अ पुली व्हेन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। अच्छा ये 10 नंबर की डेरिवेशन है, याद होगी मैंने करवाई थी फ्लैट बेल्ट वाली, बेल्ट वाली डेरिवेशन याद है, मैंने लेक्चर्स के दौरान पे करवाई थी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास, तो वो पूरी वीडियो इस 10 नंबर के लिए डेडिकेटेड थी। तो याद रखना वहां से एक बार इस डेरिवेशन को कर लेना, ठीक है, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे। तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, स्पेशली मुझे पता था यही आती है तो मैंने यही बनाई थी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली किसके ऊपर आते हैं, ट्रस वाले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ट्रस वाला भी देख रहे हो, ज्यादा मार्किंग का है, कितने का, 10 मार्क्स का। तो यार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के चलो लाया तो हूँ, बना लेता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर और मिल जाएगा आपको, तो इस चीज की थोड़ी टेंशन मत लेना। चलो दूसरी स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ऐसी जा रही है फोर्स, ये जा रही है फोर्स, ठीक है, यहाँ पर है बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है,
यहाँ से ये क्या जा रहा है, जी के ऊपर, दैट इज एच। और जी कहाँ आ रहा है बेटा, जी आ रहा है बी के ऊपर, दैट इज आवर जी। देन वी हैव दिस डी कुछ यहाँ पर ऐसे, और इन दोनों के बीच से क्या निकल के आ रहा है, दैट इज आवर सी। आई नो थोड़ा डायग्राम गंदा बन रहा है बट हम चला लेंगे, टेंशन मत लो। देखो कंटेंट में कमी नहीं होगी, क्रिएटिविटी बेशक कम है बट कंटेंट तुम्हारा भाई एकदम बढ़िया डिलीवर करेगा, ठीक है। चलो ये हो गया एफ एंड दैट इज आवर ई, और ई के ऊपर एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट कुछ इस तरीके का, सपोर्ट्स का भी काम आना शुरू हो गया है। ए को एक बार मिटाना पड़ेगा, ए के ऊपर भी एक हिंज सपोर्ट है, क्या है बेटा, एक हिंज सपोर्ट। चलो रूलर भी बना रहा हूँ, ठीक है ये हो गया हिंज सपोर्ट, दैट इज आवर ए। अच्छा कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं, हाँ वैल्यूज भी दी हुई हैं, तो बी सी डी को हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं के ऊपर वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्या हैं, दैट इज 10 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, दैट इज 25 किलो न्यूटन एंड दैट इज 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, दैट इज बी सी डी, ठीक है। ऐसा सा कुछ ट्रस है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो सही रहेगा। आप एक बार पेन को पेन से बनाओगे ना तो सही बनता। अब मेरे पास टाइम नहीं था, वरना अगर मैं रूलर से बनाने बैठा इसे तो फिर तो क्लास हो चुकी, पढ़ा चुका मैं, और वो भी ट्रस का क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, थोड़ा सतरंगी पेन से कराएंगे इसे, है ना, मजा आता है। देखो सबसे पहली चीज जो तुम्हें इस क्वेश्चन को देखते ही समझ आनी चाहिए, मैंने बताया था जैसे ही कोई रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट दिखे, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, रिएक्शन बनानी शुरू कर दो। तो यहाँ क्या बनेगी, दैट इज आवर आर ए एच एंड दैट इज आवर आर ए वाई, ठीक है। और रोलर सपोर्ट जब हटता है तो वो क्या देखे जाता है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो ये क्या हो गया, आर ई। अच्छा ट्रस का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहली चीज होती है जो रिएक्शन हमने बनाई या फिर जो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट ने मुझे दी, सबसे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा रिएक्शन है किसके ऊपर, ए के ऊपर। अच्छा अगर याद होगा तो जब मैं इसके ऊपर वैल्यूज पुट डाउन करूंगा, तो ए के ऊपर अगर मैं मूवमेंट निकालूंगा तो उससे आने जाने वाली सारी फोर्सेस जीरो। तो इससे आने जाने वाली सारी फोर्सेस जीरो कौन कौन सी हुई, इन दैट केस अगर मैं ए से मूवमेंट कैलकुलेट करूं तो ये और ये हो गए जीरो। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं सेफ जगह पर कौन है, तो सेफ जगह पर मेरे पास बचा आरी। तो आरी में क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो यही स्मार्ट मूव लेना होता है कि किसको मैं हटाऊं और जिससे मेरी वैल्यू निकल जाए। तो देखो यहां से मेरे को क्या मिला सॉल्व करने के बाद, तो ये पता लग गया स्टार्टिंग में कि मोमेंट अबाउट ए निकाला, वो भी जीरो। तो मोमेंट अबाउट ए निकालने के लिए सबसे पहले देखो, ए के ऊपर हाथ रखा, बी के डायरेक्शन में क्या है, 10। तो 10 कहाँ है, नीचे की तरफ, दैट इज आवर क्लॉकवाइज। तो 10 × 2, देन अगला चेक करो, ए के ऊपर हाथ रखा, सी की डायरेक्शन में घुमाओ, सी इज 25, वो भी डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब मैं घुमा रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये भी मेरा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, है ना। लेक्चर तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर सारी 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना। हाँ ये सारे डिस्टेंस 2 है, इसलिए 2 4 आ रहे हैं, याद रखना। और ये क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ तक आए हो तो इतना तो पता ही होगा ना मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। आई होप इतने समझदार तो हो गए सारे। अब देखो 25 × 4 हो गया, उसके बाद क्या करना है, 15 × फिर से देखो 15 डाउनवर्ड है तो मैंने डायरेक्टली 15 प्लस का लिख दिया, और उसके बाद × 6। उसके बाद आरी की बात करूं, आरी जा रहा है ऊपर की साइड, दैट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज × 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इन सब में वैल्यूज पुट करूंगा तो आरी की जो वैल्यू आएगी, आरी की वैल्यू आ रही है 26.25 किलो न्यूटन। क्या आ रही है, 26.25 किलो न्यूटन। उसके बाद अगर मैं सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 कर दूं, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करने पर मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज आर ई पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ 10, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 25, नेगेटिव ऑफ 15,
एंड पॉजिटिव ऑफ आर ए वाई, है ना, आर ए वी, दैट इज आवर जीरो ना, हाँ जीरो। यहां से मेरे पास जब मैं इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आर ए वी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 23.75 किलो न्यूटन। ठीक है, याद रहेगा। चलो अच्छा, एक सेकंड देना, लैपटॉप में चार्जर थोड़ा कम है, लगा देता हूँ, एक सेकंड बस, है ना, एक सेकंड। एक सेकंड, होता रहता है यार, लाइफ है, चार्ज तो सबको ही चाहिए होता है। चलो भाई साहब, हाँ अब ठीक है, चार्जिंग लग गई है, मेरे अंदर भी चार्ज हो गई है चीजें। चलो शुरुआत करते हैं फिर से। अच्छा, आर ई मिल गया, आर ए भी मिल गया, क्या बचा है, आर ए एच। कंडीशन भी एक ही बची है हमारे पास, कौन सी भैया, एक ही तो कंडीशन बची है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स की, जो कि जीरो है। तो देखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज आर ए एच, वो भी पॉजिटिव इसलिए लूंगा क्योंकि राइट पे जा रही है, तो आर एच की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, चलो तीनों रिएक्शंस की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज तो ये तो पता ही करना भूल गए। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन दिया क्या था, क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे जो फोर्स फाइंड करना है वो कहाँ कहाँ फाइंड करना है, तो मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो दिख रहा होगा, जी एच में, जी डी में और जी एफ में, इनमें फोर्स फाइंड करना था। अच्छा मैंने बताया हुआ है लेक्चर्स के अंदर भी कि जब कभी भी मुझे स्पेसिफाई हो जाए कि इनके अंदर मुझे फोर्स चाहिए, इन मेंबर्स के ऊपर फोर्स चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम सेक्शन मतलब मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जी एच कहाँ है, ये रहा, जी डी कहाँ है बेटा, जी डी इज हेयर एंड जी एफ इज हेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास दो प्लेन कौन कौन से बनेंगे, मैं यहाँ पर रूलर का यूज करना चाहूंगा वरना लगता है बहुत ज्यादा बुरा। ठीक है चलो, दो प्लेन्स कट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना भी मैं गंद नहीं मचा सकता, ऑलरेडी बहुत गंद मचा चुका हूँ। ठीक है, तो एक प्लेन तो ये ऐसे कट होगा, देन दूसरा प्लेन, आई होप सबको प्लेन कट करना आता है, प्लेन कट करने की कंडीशन यही है कि तीन फोर तीन मेंबर्स तो कटने ही चाहिए, तीन मेंबर्स क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। तो दूसरा मेंबर, दूसरा सेक्शन यहाँ कट गया। ठीक है, ये सेक्शन वन एंड दैट इज आवर सेक्शन टू। थोड़ी देर के लिए इन सबको अब मिटा देता हूँ, है ना, याद रखना। मैंने रेड रेड बना दिया है जिनको मुझे फाइंड करना है, रूलर हटाओ। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब देखो अगर मैं सेक्शन टू से सॉल्व करवाता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं दो वैल्यूज निकालूंगा, सेक्शन वन को यूज करके जी एच की वैल्यू आप खुद निकालोगे, मैं जी एफ और जी डी की वैल्यू निकाल के बताता हूँ कैसे निकालनी है। तो देखो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अब अगर मैं एफ बी डी बनाना चाहूँ, एफ बी डी ऑफ सेक्शन टू, है ना, सेक्शन टू का एफ बी डी बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। तो अगर मैं एफ बी डी बनाना चाहूँ तो एफ बी डी कुछ इस तरीके का दिखने वाला है कि यहाँ पर ये ऐसे जाएंगी चीजें, ठीक है, ये ऐसे है, यहाँ पर जो फोर्स आई थी वो कितनी आई थी बेटा, वैल्यू दैट इज 26.25, 26.25। ठीक है, और यहाँ से जो जी जा रहा था उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेक्शन कट हुआ है तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर 5 है। ठीक है, और याद रखना ये तीनों प्लेन्स अभी इनकी डायरेक्शन हमें नहीं पता। अच्छा ये तो मेरा क्या हो गया, एफ बी डी हो गया, थोड़ी नेमिंग कर लें, जी एफ ई डी और सी। ठीक है, ये मेरा क्या है, एफ बी डी है, एफ बी डी। अब देखो अगर याद होगा तो मैंने क्या बताया था, जो जो जॉइंट नहीं है उनका डायरेक्शन हमेशा क्या ले लो, आउटवर्ड, क्या लेना है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब मेरे पास चीजें क्या है, सबसे पहले मैं किसके ऊपर जाऊंगा, अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंट अबाउट जी,
मोमेंट अबाउट जी से मेरे पास देखो फायदा क्या होगा, मोमेंट अबाउट जी ही फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब मैं जी के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करूंगा तो देखो होगा क्या, सबसे पहली चीज बताओ, सी डी को अगर मैं देखूं, सी डी कहाँ है, नीचे ही रहा। इफ वी टॉक अबाउट सी डी, ये रहा, ठीक है। तो सी डी की जो डायरेक्शन है, अगर मैं जी में हाथ रख के ऐसे घुमाऊं, कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज, तो मोमेंट अबाउट जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो सी डी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, देखो अगर क्वेश्चन में बताऊं तो क्वेश्चन में ना ये वन है और ये बाकी बचा हुआ कितना है, पूरा का पूरा टू, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल क्या ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे अगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इसकी सी डी की, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल। तो पूरा वर्टिकल कितना है, 1 + 2 इज 3, तो सी डी इंटू 3। उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू है, दैट इज 15। 15 कहाँ है, 15 मेरी यहाँ पर है। तो 15 के लिए बात करें तो जी पर हाथ रखो, जी के अकॉर्डिंग 15 भी कहाँ है, क्लॉकवाइज है, दैट इज +15 इंटू 2। 2 क्यों, हाँ 2 ही आएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है वो कितना है, वर्टिकल फोर्स, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, दैट इज आवर 2। देन 26.25 का है नेगेटिव, क्यों, जी के ऊपर हाथ रखो, ऐसे हाथ को रोटेट करो, तो दैट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज और डिस्टेंस इज 4 0, ठीक है। अब देखो यहां से मेरी जो सी डी की वैल्यू आती है, यहां से जो मेरी सी डी की वैल्यू आती है आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो वो आती है 25 किलो न्यूटन, ठीक है। 25 किलो न्यूटन, जो कि एक क्या है, टेंसाइल फोर्स है, क्या है, टेंसाइल फोर्स। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने क्या बताया, सी डी कैलकुलेट करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है जी डी और जी एफ को सॉल्व करना। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सी डी आ चुका है, अब हम मोमेंट अबाउट एफ निकालने की कोशिश करते हैं। चलो मोमेंट अबाउट एफ इज इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट अबाउट एफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोमेंट अबाउट एफ के लिए चीजें देखो, सी डी क्या है, सी डी फिर से क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एफ पे हाथ रखो और ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज चल रहा है। देन उसके बाद क्या है, जी डी। अच्छा अब आता है बहुत बढ़िया खेल, थोड़ा सा रफ पे आते हैं, रफ ने रफ के लिए भी इन भाई साहब को अब थोड़ा ना छोटा कर देते हैं। अब एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ जिससे इस क्वेश्चन में थोड़ा निखार आएगा। देखो हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना चीजें बदल कैसे रही है। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ये फाई बना हुआ है, ठीक है, ये फाई, इतना डिस्टेंस इज 2 और ये पूरा का पूरा कितना है बेटा, 3। तो अगर मैं इस फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टैन इनवर्स है ना, फाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3/2। तो अगर मैं कैलकुलेटर में देखूं टैन इनवर्स 3/2 की वैल्यू, तो टैन इनवर्स 3/2 दैट इज आवर 35.78 डिग्री, क्या होगा, 35.78 डिग्री। चलो इधर आते हैं, तो अगर मुझे इसके लिए चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक स्लोप बन रहा होगा, स्लोप बन रहा होगा ना, तो स्लोप कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, जहां पर दैट इज आवर 2 एंड दैट इज आवर 3, तो ये हाइपोटेन्यूस आएगा कितना आएगा, रूट में 13, रूट में 13 क्या आएगा यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस। अब मैंने ऐसा करा क्यों, देखो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो ये इसका करने का मोटिव ये था कि जब अब मैं जब मैं एफ के लिए कर रहा हूँ ना, तो जी डी के लिए मुझे उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि जो जी डी है ना मेरा, मतलब ये जो जी डी है, जी एफ है, ये सारे के सारे इंक्लाइन फोर्स है, और इंक्लाइन फोर्स मुझे काम नहीं आएंगे, मुझे उसे हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ जी डी के साथ क्या चाहिए, इसका कॉस, क्योंकि देखो इसके पास फाइव बनेगा, और यहाँ पर इसका जी डी के साथ इसका साइन, तो साइन और कॉस की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, इस ट्राइंगल से। तो अब देखो जब मैं एफ के ऊपर हाथ रखूंगा और जी डी कॉस 30 के ऊपर घुमाऊंगा, तो वो क्या है, दैट इज आवर पॉजिटिव, क्या है वो, मेरा पॉजिटिव है। तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव जी डी इंटू कॉस, कॉस कैसे निकलेगा, दैट इज आवर 2/√13, 2/√13, देन
-26.75 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 है ना। एफ के ऊपर हाथ रखा, ये चीजें ऐसे गई, समझ आई बात। अब देखो, अब देखो तुम ये सोच रहे हो कि भैया जी डी साइन क्यों नहीं निकाला गया। बेटा जी डी साइन इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि देखो ना, फिर वो आप मोमेंट अबाउट एफ क्यों निकाल रहा हूं मैं। जी डी साइन जो है वो एफ से पास होगा ना, तो उससे आने जाने वाली सारी फोर्सेस तो जीरो है, बस इसी रीजन से जी डी साइन थीटा मतलब जी डी साइन वाला कॉम्पोनेंट इसमें काम नहीं आया। अब यहां से अगर मैं इस सम को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो जी डी की वैल्यू आ रही है दैट इज आवर -2.25 किलो न्यूटन वैल्यू, ठीक है, दैट इज आवर कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा अब मैं इन सबको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, अब मुझे क्या फाइंड करना है, जी एफ। तो जी एफ के लिए देखो इसे भी मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या था मेरे पास 5। अब मेरे पास यहाँ भी एक स्लोप बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बट अब इस स्लोप की वैल्यू 1 और ये दैट इज आवर 2, तो यहाँ बनना चाहिए रूट में 5। तो अब की बार जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है 2, 1 और रूट 5 का, है ना। अब जी एफ के लिए फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा। अब क्या करूँगा मैं, चलो वैल्यू जब मैं पुट डाउन करूँगा तो अब मैं मोमेंट अबाउट डी निकालता हूँ, है ना, मोमेंट अबाउट डी निकालता हूँ। तो मोमेंट अबाउट डी के लिए, अच्छा अब मैं इसको इतना सॉल्व नहीं करवा रहा, अब मैं इसको बता देता हूँ कि अब करना क्या है। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं इसका कॉस देखूँ तो कॉस थीटा जो मुझे मिलेगा दैट इज आवर एक सेकेंड 2/√5, ठीक है, और साइन थीटा देखा जाए तो साइन थीटा मिलेगा तो 1/√5, ठीक है। इनको यूज करके अब जब आप इसके अबाउट मोमेंट निकालोगे, किसके अबाउट, डी के अबाउट, तो होगा क्या, जी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो, याद रहे जो भी अगर नेगेटिव आएगा तो कंप्रेसिव और पॉजिटिव आएगा तो टेंसाइल फोर्स है। फिर सेम फॉर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में क्या करना है, सेक्शन नंबर 1 सेम आसान रहेगा, उसमें भी क्या होगा ध्यान से देखो, वो भी एक इंक्लाइन फोर्स है, तो उसमें भी एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल कैसा रहेगा 2 और ये रहेगा 1, तो इस बार याद रखना ये थीटा कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ भी अगर मैं देखा जाऊं तो ये भी √5 बनेगा, इसमें भी ट्राइंगल्स का यूज होगा। अब इस चीज को मैं मानता हूँ आप ट्रस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब शायद 4-5 स्टेप और रह गए हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं टाइम वेस्ट इतना नहीं कर सकता इसके ऊपर, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने बता दिया। मेन काम पता क्या था, ये थीटा वाला 5 वाला, कि आपको इस एंगल को कैसे समझना है, तो एंगल समझना मुझे लग रहा है अब आपको समझ आ गया होगा। और अब जो इसके बाद का सेक्शन 1 है आप खुद सॉल्व करना। तो आपको जी एच जी डी की मैंने वैल्यू निकाल दी है, जी एफ की आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आया था पेपर में क्या आया था, एक सेकेंड, अच्छा अगला जो क्वेश्चन था वो कुछ सेंट्रोइड के ऊपर था, तो ये सेंट्रोइड का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो सेंट्रोइड के क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, दो तरीके हैं इसके पास, या तो पूरे ट्रेपीजियम में से क्वाड्रेंट सर्कल को वो माइनस कर दे, या फिर देखो मैं ट्रेपीजियम वाले को प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसका सेंट्रोइड नहीं बताया कि ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यूज कैसे कैसे होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अपने तरीके से उस टाइम किया था वो क्या किया था, यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल भी खींच लिया था, ठीक है। उससे मेरे को फायदा क्या हुआ, मेरे पास 3 शेप्स मिल गई, कौन कौन सी, क्वाड्रेंट सर्कल, पूरा रेक्टेंगल जिसके अंदर पूरा क्वाड्रेंट सर्कल और राइट एंगल ट्राइंगल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब अगर मैं पूरे रेक्टेंगल में से इसको और इसको एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग जो मेरा शेडेड एरिया है ना वो मुझे मिल जाएगा। तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा 60 है, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा 60। आई होप इतनी बात समझ आती होगी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहली चीज सीरियल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, शेप कैसी है, देन वी हैव एरिया, देन एक्स, देन वाई, देन एक्स, देन ए वाई। सबसे पहला सीरियल नंबर, मैं सबसे पहली शेप ले रहा हूँ, दैट इज आवर क्वाड्रेंट सर्कल, दैट इज आवर क्वाड्रेंट सर्कल। देन सेकेंड वन इज रेक्टेंगल, देन थर्ड वन इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सारी डायमेंशंस लिख लो,
इसका रेडियस है 30, ठीक है, और ये पूरा नीचे 90 हो गया, बेस 60 हो, मतलब बेस 60, हाइट बेस 90, हाइट 60, ठीक है, हाँ 45 बेस और इसका हाइट 60, ठीक है। सबसे पहली चीज एरिया, तो अगर याद होगा क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो वैल्यू निकालना शुरू करो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 आंसर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 706.85, मतलब 706.5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, बेस इंटू हाइट इज 9654 00, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं डायरेक्टली 30 इंटू 45 कर ले रहा हूँ। आई होप एरिया निकालना इतना तो आता ही होगा, अब पेपर देने आए हो इतना तो आना ही चाहिए था। मेन काम आता है एक्स और वाई, जिसने एक्स और वाई की वैल्यू सही निकाल ली उसका आंसर सही आएगा। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट सर्कल की बात कर दूं, तो क्वाड्रेंट सर्कल का मुझे पता है कि इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये मेरी एक्स की वैल्यू और ये मेरी वाई की वैल्यू। तो क्वाड्रेंट सर्कल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो क्वाड्रेंट सर्कल में फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि अगर ये मेरा क्वाड्रेंट सर्कल है तो ये क्या है मेरा, ये मेरा सेंट्रोइड है, तो ये जितनी वैल्यू है दैट इज आवर 4r/3π, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी कितनी थी 4r/3π, और ये जो रिमेनिंग है दैट इज r-4r/3π, और ये वाली रिमेनिंग भी क्या है r-4r/3π। तो चलो अब ध्यान से देखोगे हमारे पास काम क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जब मैं 4r/3π करूंगा तो मेरे पास मिलेगा क्या, 4 into r/3π, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज आवर 12.3, सॉरी 732। अच्छा y की भी इसकी सेम आएगी, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देता हूँ क्योंकि अगले में भी सेम नहीं आएगी, 12.732 है ना, और अगले की भी 12.732, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है 4r/3π क्वाड्रेंट सर्कल के लिए। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगली चीज है फॉर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, एकदम सेंटर पे। अच्छा सेंट्रॉइड यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो एक्स और वाई से डिस्टेंस बना लो, दैट इज आवर एक्स की वैल्यू एंड दैट इज आवर वाई की वैल्यू। तो अगर तुम्हें इसका क्या नाम है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होगा, एक बार फिर से इस स्लाइड का हम यूज सिर्फ फॉर्मूला के लिए करेंगे। तो अगर मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये डिस्टेंस दैट इज आवर, ये होता है हाइट बाय 2, दैट इज आवर बेस बाय 2, बचा हुआ भी बेस बाय 2, और ये बचा हुआ भी हाइट बाय 2। तो जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्व करके मिला क्या, तो ध्यान से देखोगे जो वाई है ना, मतलब ये जो वाई मिल रहा है ये वाला वाई, तो जब इस वाई को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 30/2 इज 15, क्या मिल गया 30/2 इज 15, तो मेरे पास जो वाई की वैल्यू आई वो क्या आई 15, यहां से जो y की वैल्यू आई दैट इज आवर 15, दैट इज 15। x की बात करूं तो x को देखोगे वो भी क्या है बेस बाय 2, तो बेस क्या है मेरे पास, बेस इज 90, तो 90/2 इज 45, ठीक है। इनकी वैल्यूज तो मुझे आसानी से मिल गई, इनकी वैल्यूज तो मुझे आसानी से मिल गई। अब इसके बाद मुझे करना क्या होगा, इसके बाद मेरे को अब इसके अंदर चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज किसकी निकाल रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल की, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैल्यूज निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के मैंने बताया हुआ है इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर। तो देखो अगर मैं वाई के लिए बात करूँ तो ये तो वैल्यू वाई की आ गई, बट अगर आप देखोगे तो एक्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, बट गलत है, ये वाला एक्स यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। ध्यान रखना ये जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, ये हमेशा हमें एक्सिस से लेनी होती है, किससे, एक्सिस से। तो देखो एक्स से मैंने ये लाइन बनाई तो ये मेरा क्या हो गया, वाई डिस्टेंस। अब ये जो होगा ना अगला डिस्टेंस, ये वाला दैट इज आवर एक्स। तो इस एक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया हुआ है वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये सेंट्रॉइड है तो दैट इज आवर बेस बाय 3 एंड बचा हुआ 2 बेस बाय 3, ठीक है,
और यहां पर अगर देखो तो हाइट बाय थ्री और टू हाइट बाय थ्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई जो है डायरेक्टली मैं किससे निकाल सकता हूँ, हाइट बाय थ्री से। तो हाइट बाय थ्री करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हाइट बाय थ्री करने के बाद जो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है वाई की, दैट इज हाइट बाय थ्री करने के बाद आ रही है 20 वाई की वैल्यू। अच्छा एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, एक्स की वैल्यू ध्यान से देखो, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है 2b/3। अच्छा 2b/3 से क्या वो एक्सिस तक पहुंच गया, नहीं, 2b/3 के बाद भी ये जो डिस्टेंस है ना 45, ये इतना भी उसको एक कवर करना पड़ा। तो अगर मैं कहूं कि 2b/3 + 45 इज एक्स, तो ये सही है। अगर एक्स को मैं सिर्फ b/3 कह दूं तो वो गलत है, एक्स क्या है 2b/3 + 45, ठीक है, क्योंकि उस तक एक्सिस तक उसे पहुंचना है। अगर इतनी बात समझ आ गई तो इस क्वेश्चन का खेल अब खत्म हो चुका है। तो देखो अब जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट डाउन करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 75, ठीक है। अब कुछ मत करो, ए इंटू एक्स करो, तो ए इंटू एक्स करने के बाद यहाँ पर आ रही है वैल्यू 89.95.158, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो पूरा कॉलम है ना इसको बनाए नीचे दूसरे यहाँ लेते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। अब मैं कॉलम क्या बना रहा हूँ, ए एक्स ए वाई का, ठीक है। तो अब एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई करो, करना क्या है मैं बताता हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं, ए एक्स को ए इंटू एक्स, ए वाई में ए इंटू वाई, समझ आई बात। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज दिख रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए पूरा क्वेश्चन। तो ए एक्स की जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रही है 89.95.158, ठीक है, 158 आ रही है। उसके बाद अगर मैं ए वाई इसका कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या आएगा, 89.95.158, समझ आई बात। उसके बाद अगर मैं अगले वाले का ए एक्स कैलकुलेट करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, एरिया और एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 243000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 81000, ठीक है। अगले को अगर मैं ए इंटू एक्स करूँ तो मेरे पास आ रहा है 101250, और इसकी जो ए वाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 27, ठीक है। तो ये आ रही है इसकी वैल्यू। अब देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइड निकालना किसका है, शेडेड रीजन का। तो याद रखना जब कभी भी ऐसे शेडेड वाला सीन आए तो जो जो चीजें मुझे एक्सक्लूड करनी है उसका एरिया और उसकी ए एक्स ए वाई की वैल्यू, कौन कौन सी चीजें, एरिया और ए एक्स ए वाई की वैल्यू का कर दो नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, मैं इस नेगेटिव को अलग से तुम्हें रेड साइन से दिखाता हूँ कि अगर देखो मुझे एक्सक्लूड क्या करना है, एक क्वार्टर सर्कल और एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन दोनों के एरिया को कर दो नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया को नेगेटिव करके जो सिग्मा ए आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जब मैं इन सबको एड अप कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3343.5, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, दोनों को नेगेटिव क्यों करा, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल में से इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, तो इसका एरिया और इसकी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू को मैं नेगेटिव कर दूंगा। तो चलो इन दोनों की ए एक्स और ए वाई की वैल्यू को भी नेगेटिव कर दो, कर दिया। अब इन दोनों का सम निकाल लो, मतलब ए एक्स का अलग मतलब सिग्मा ए एक्स, तो सिग्मा ए एक्स की जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग तो वो आ रही है 1327.54.84, और सिग्मा ए वाई की बात करूं तो इन सब का सम जब कर रहा हूं तो मैं आ रहा है मेरे पास 4500.4842। तो ये मेरा सिग्मा ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हो गई। अब मेरे पास सिंपली अगर मैं सेंट्रॉइड निकालना चाहूँ तो सेंट्रॉइड में कैसे निकाल सकता हूँ, सेंट्रॉइड के लिए क्या करना होगा, अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ एक्स पॉइंट की सेंट्रॉइड के, तो कैसे निकलेगा, सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा ए, तो सिग्मा ए एक्स कितना है, सिग्मा ए एक्स इज 1327.5.84 डिवाइडेड बाय सिग्मा ए कितना है 3343.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 39.705, ठीक है। अच्छा सिमिलरली फॉर वाई, मतलब वाई पॉइंट के लिए सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, तो सिग्मा ए वाई की वैल्यू कितनी है 4500.4842, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3343.5। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 13.460। तो इसका मतलब जो शेडेड रीजन है उसका जो सेंट्रॉइड है
वो क्या आएगा, तो सेंट्रॉइड आएगा 39.705, 13.460, ठीक है। तो सेंट्रॉइड वाले का भी आंसर आ गया। आई होप इस पूरे मिड सेम के पेपर में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ट्रस वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप एक बार कर लेना, ठीक है। और जो डेरिवेशन है बेल्ट वाली, वो वीडियो तो आपके पास है ही, अगर आप कहोगे तो मैं उसी में दोबारा एड ऑन भी करवा दूंगा, चलो इतना भी काम कर दूंगा। और जो मैंने आपसे बोला है ट्रस की जो 2-3 पेज की थ्योरेटिकल वाली पार्ट, थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है उसकी भी मैं एक मतलब एक PDF फॉर्म में उसी में आपको अपलोड भी करवा दूंगा। ट्रस्ट के क्वेश्चन में जो ये है इसका सेक्शन 1 के लिए सॉल्व कर लेना, सेक्शन 2 के लिए मैंने ऑलमोस्ट करवा दिया है, मतलब जिसमें मैंने GD की वैल्यू निकाल दिया, GF की मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 2/√5 और साइन थीटा की क्या होगी 1/√5। इसको सॉल्व करते हुए जैसे GD निकाला है सिमिलरली GF निकलेगा और सेम फॉर GH। आई होप ये पूरा पेपर आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन।